कोई साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, चलना मुझे आता है, अंत भला सब भला। पूरा साल ठीक चला और साल के अंत में बैठ के से बात कर ली जाती है ना, तो लगता है क्या काम हुआ है। दोस्तों 36 दिन की क्लासेज हो रहे हैं, दो माइनर बचे हैं, 36 दिन की क्लास है कि आज हमारा फर्स्ट फेज जो है जिसका सिलेबस केवल 4 दिन का बचा हुआ है। हमारे पास 6 वीक का वर्किंग है अभी, ऑफलाइन ऑनलाइन, कोई किसी बच्चों का नवंबर में एडमिशन है, कोई अक्टूबर हमारे पास आया। हमने किसी भी टॉपिक को छोटा नहीं किया, हमने टारगेट मेडिकल में पूरे 16 के 16 टुकड़े हैं आपको इस बार। एक व्यक्ति इसलिए हर वक्त डरा सा रहता है कि भगवान देख रहा है, और एक व्यक्ति इसलिए मस्त है कि भगवान देख रहा है ना यार। तो जो बुरा व्यक्ति है वो इसलिए डरता है कि भगवान देख रहा है, जो अच्छे काम करता है वो कहता है हाँ यार क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, हो सकता आज संघर्ष कर रहे होंगे पर भगवान देख रहा ना, यही कोरोना मेरे साथ हुआ था। और जो अच्छा काम करते हैं वो कहते हैं भगवान है ना यार, देख रहा ना, रिजल्ट आएगा। इसलिए तुम पढ़ रहे हो, जो नहीं पढ़ते हैं मान के चलो उनको कहीं ना गिल्ट फील होता है, जो पढ़ रहे होते उनके रिजल्ट मार्क्स कम भी आ जाते हैं ना तो भी वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं यार, ऊपर देख रहा ना, रिजल्ट तो एक दिन आएगा मेरे पक्ष में। ये श्रवण चौधरी का श्रवण का सपना पूरा करेगा, जो आदमी छियानवे में इस सीकर में कोचिंग का सपना पाल के पागलपन से इस शहर को खड़ा कर सकता है वो ये भी करके रहेगा। रहे तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, मुझे तो काम करना है 700 से ऊपर, जब 3 बच्चे हैं तो 50 क्यों नहीं हो सकते। और जेई में भी 275 से ऊपर हम 30 बच्चे लाएंगे, ये 100% एक सौगंध है। डायलॉग्स तो सुनना रहे, कोई साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, चलना मुझे आता है। आज के 3 साल पहले कोई पुराने साथी याद हो तो 2017 में हमने कहा था 600 नंबर से ऊपर 100 बच्चे लेके आएंगे। कब कहा था? जब उसके पहले 600 नंबर से ऊपर सारे कोचिंग 20 बच्चे आए हुए थे, वो 17 का बैच था जिसके बाद एक रिजल्ट जंप होना स्टार्ट हुआ था। द सुमन वंदना छोरिया एक साथ 3-4 लड़कियां हमारी, 4 बेटियां लेडी हार्डिंग गई थी। अब ये 36 दिन आप नॉर्मल जी भी सकते, ये 36 दिन आपके पास होंगे, ये 30 अप्रैल तक आपको यहां रहना होगा। अब तू रो के रह ले, हंस के रह ले, तेरी इच्छा है। जीवन पूरा बीतता है एक मजदूर का भी और देश लाने वाले का भी, मुकेश अंबानी का भी और चाय की थड़ी वाले का भी। अब डिपेंड तेरे पे करता कि तू ये 36 दिन में कितना काम कर सकता है। आदमी क्या नहीं कर सकता? 5 मार्च से लेकर 16 मार्च तक मात्र 14 दिन में राजस्थान के 24 जिले, एक एक डिस्ट्रिक्ट पे जाके मैं प्रोग्राम करके आ गया, बच्चों समान करके आ गया हूं मैं। आप लोग अब निश्चित रूप से डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। रहे जब रिजल्ट आया था नीट का 17 का, तो भर जांगीट नाम के बच्चे का व्हाट्सएप आया, मैंने कहा नंबर जोड़ के भेजो, तो उसने अपने नंबर जोड़ के भेजे 655। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं जानता कौर भर जांगीट था, लेकिन लास्ट के जब उसकी हिस्ट्री देखी रूम नंबर 4 में कैंप जब वीडियो देखे तो पता लगा भरत जांगिड़ वो छोरा है जिसने रूम नंबर 4 में कैंप को फॉलो किया है। लक्ष्मी चौधरी नंबर जोड़ती है 650, नहीं यकीन हुआ तो कैमरे देखे पता लगा रूम नंबर 1 में कैंप लग रहा है। उनको हम जानते ही नहीं थे, लेकिन वो सारे लास्ट के 3 महीने में ठोक गए। अब भी आपके पास समय है, पूरा अप्रैल मई जून जुलाई। और याद करो पिछली बार हमने बायो केम के केवल टेस्ट 12 ही करवाए थे, इस बार आपके सामने 25 टेस्ट हैं। अब मैथ के बच्चों पे आ जाओ टारगेट पे, बेटा पहले टेस्ट ही केमिस्ट्री के थे, आपके पास पूरा मैथ केमिस्ट्री दे रहे हैं। बायो केम मैथ केम इंडिया की एकमात्र सीएलसी है जो ये टेस्ट करवाती है। यदि बायो केम नहीं होती तो तू पढ़ने नहीं पड़ता। जिंदगी में एक बात सुन लेना, हमने क्या खोया ये मुद्दा मत दे, हमने क्या पा रखा है। और एक 11th के बच्चे बैठे हैं, उनके पल्ले पड़ गई होगी रे, आज दिन के अपने खुद के स्कूल है ना, वो सारे जा चुके हैं यहां से घर, और हम तो डूबे सनम कहीं उसाद में डूबते हैं यहां पर। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है 12th में आप अपना स्कूल सीकर रखें, लास्ट में तैयारी होती है। क्लाइमेक्स जो बनता हो चाहे वनडे हो चाहे 20 मैच हो टेस्ट मैच हो, लास्ट के ओवर क्लाइमेक्स करते हैं मैच जीतने के लिए। एक बात गांठ बांध लेना, कुछ लोग बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं बट वो विनर नहीं होते, बहुत अच्छा खेलते हैं को जीतना नहीं आता। अब 36 क्लास जो बची हैं, जो बेटा बेटी फर्स्ट फेज में आ गया था उसकी केवल 6 क्लास, सेकंड फेज की 12 क्लास, थर्ड फेज के 18 क्लास, 36 क्लास तो केवल उनकी है भाई जो नवंबर में आया हुआ है। और फिर सुन ले, एक भी टॉपिक को हमने छोटा नहीं किया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं मैं, एक कोर्स दिया हमने 2-in-1। इस साल जो बेटा बेटी 11th में है, कैमरे के सामने भी है मेरे सामने भी है, बहुत से बच्चे थे उस समय कोरोना था जब 10th का आपको सरकार ने प्रमोशन किया, रिजल्ट आया, खूब नंबर आए आपके, जिंदगी कभी नहीं आए इतने, एलकेजी में नहीं आए थे जितने आपके 10th में आए, 12th में आए। हाँ बहुत से बच्चे उतने नंबर पहली बार देखे खुद की मार्कशीट में, अच्छा इतने नंबर भी आते हैं क्या। आप भी याद रखोगे,
जो बच्चे इस साल 2021 में 10th पास किया, अब उस समय कोरोना था, कई लॉकडाउन अटक गए, कोई लोकल रुक गए, मैं जब घूम के रास्ता में आया पूरे में तो बहुत से लोग मिले श्रवण जी, उस समय दादी ने मना कर दिया, हमने मना कर दिया, अब वो परेशान है, 11th बर्बाद हो गया उनका। अब उनको पता लगा कि आप सब जानते हो कि बिना 11th नीट और जेई मजाक लगता, फिर आधे 50% आप जानते हो 11th आता है, 50% 12th आता है, अब 11th उनका बट्टा ढाल हो गया। अब वो परेशान हुए, उनके फोन आना स्टार्ट हुए, आप जानते हो मेरे व्हाट्सएप पूछा था, मेरे व्हाट्सएप पे। संस्था का प्लस पॉइंट यही है कि जो कमी होती है व्हाट्सएप कर देते हैं, तो व्हाट्सएप होता है और समस्या मिट, आप भी सुन लो, कोई टेक्निकल इश्यू हो आप व्हाट्सएप करें, वो समस्या मिटेगी, जिम्मेदारी है मेरी, आप तो अपनी समस्या मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। तो तुम कई बार क्या करते हो, उस समस्या को चक्के घूमते रहते हो, और रही सही तुम्हारे हॉस्टल में 5-7 जो बिल्कुल कोई काम के नहीं है ना, वो आपको कंफ्यूज करते रहते हैं। कई तो ऐसे, हम तो डूबे सो डूबे, जितने हॉस्ट के सबको ले डूबे, कोई काम नहीं है, कोई लड़का लड़की आपको राय दे, कंफ्यूज करे, उसको पूछ तेरा स्कोर क्या चल रहा है, हाँ किसी का स्कोर 90% चल रहा है, उसकी बात ध्यान सुनना, वो तेरे से बातें नहीं करेगा, तो पता है उसके पास टाइम नहीं है तेरे ज्ञान देने को। मैं फिर भी एक निवेदन है, तुम्हें कोई ये दिक भ्रमित करे तो आप तो तुरंत अपना नाम, रोल नंबर, अपनी समस्या मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, ताकि मैं आपकी समस्या मिटा सकूं, या आप, मैं यहां रहता हूं तो आप आके मिल लें। खैर, तो जो 11th 12th का बच्चा था, उसका 11th पूरा हो गया, फोन आना स्टार्ट हुए, व्हाट्सएप आना स्टार्ट हुए कि बॉस वापस 11th करनी है, श्रवण जी बच्चे वापस 11th कराना है। तो हमने एक आइडिया बनाया कि वापस 11th तो नहीं कराएंगे, तो हमने 2-in-1 का कोर्स स्टार्ट कर लिया 30 दिसंबर को। ध्यान देना, यदि कोई आपका नॉन भी उड़ जा हुआ है, तो जो बेटा बेटी कहीं 11th में पढ़ रहा है, उसका एनुअल एग्जाम हो गया तो बुला लो, और एनुअल नहीं हुआ है तो जिस दिन उसकी वार्षिक परीक्षा हो जाए उसके पहले आ भी नहीं पाएगा, सीधी सी बात है भैया, क्योंकि वो एनुअल कहां देने जाएगा। तो जैसे उसका 11th हो जाता है, या 11th का एनुअल हो गया या हो जाता है, उसके तुरंत बाद सीकर बुलाएं, ये श्रवण का कमिटमेंट है, 9 महीने में 30 दिसंबर तक उनको 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तो डियर, ये व्यवस्था थी, क्लासेज आपकी चलेंगी, क्लासेज आपको 4 लेनी होंगी, 36 क्लास का प्रोजेक्ट है, 12th के सिलेबस कंप्लीट हैं, 11th का तो कोर्स खैर चल ही रहा, बात ही नहीं है, 11th 12th होती है कि होती है, वहाँ स्टार्ट कर दिया आगे हमने, IIT टारगेट ही वही कहानी है, 30 अप्रैल तक आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। और एक बार बार एक बात कर रहा मेडिकल वालों, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनका तुम जेई मेन का PYQ निकाल लो प्लीज, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, फिजिकल मत निकालना, फिजिक्स मत निकाल जेई मेन का, नहीं तो वो 26 जी के चक्कर दुबे जी बन जाओगे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए प्लीज मेडिकल का बच्चा भी अपने दोस्त से PYQ मांग ले और मांग के निकाल ले। PYQ आपको दिया हुआ है, 6-pack आपको दिया हुआ है, उन सबको बार बार निकालते रहेंगे।